तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक डेल का लैपटॉप है जो कि हमने लास्ट टाइम PSL लॉजिक में रिपेयर किया था। तो ये फिर से सेम लैपटॉप इधर आया है। इसमें कस्टमर का कहना ये है कि इसमें एक्सटर्नल डिस्प्ले ओके आ रहा है, पर इंटरनल डिस्प्ले में कुछ ऐसे लाइंस आ रही है। तो इसे हम चेक करेंगे। उसके लिए पहले मैं इसे ऑन करूँगा। तो इसके लिए इसका DC जैक लगाया, पावर सप्लाई ऑन किया, 19 एम्पियर उठा रहा है जो कि सही है। इसे ऑन करेंगे। ऑन किया, ऑन करने के बाद 700-800 mA उठा रहा है और डिस्प्ले पे कुछ नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ, कैप्स लॉक पे डिस्प्ले है, पर डिस्प्ले पे डिस्प्ले नहीं है। ओके, तो इसने ये जो दुकानदार है उसने स्क्रीन भी कुछ तो चेंज करके देखा है। हम भी एक प्रोसीजर है इसलिए हम भी चेंज करके देखेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा इसे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से तोड़ दिया उन्होंने निकालते समय। यहाँ पर लॉक है इसके लिए। ओके, ये देखिए। ओके, इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओके, ये निकल चुका है। इसको निकालने के बाद फिलहाल मुझे क्या करना है, इसका डिस्प्ले निकालना है। इसकी स्क्रू ड्राइवर डिस्प्ले के लिए यहाँ पर 4 स्क्रू होते हैं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और ऊपर 2 होते हैं। ओके, तो इन्हें निकालना है और आपको चेक करना होता है। ये अभी दुकानदार ने ओपन करने की कोशिश की और यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर प्लस वाला जो सिंबल होता है वो ख़राब कर दिया और स्क्रू भी अलग अलग लगा है। ये उनकी गलती हो सकती है, दूसरों को भी हो सकती है, क्योंकि ये सेकेंड हैंड में लैपटॉप बेचा हुआ है। ये 40 पिन की स्क्रीन है। ओके, तो इसमें एक एक स्क्रीन में ये लॉक होता है, यहाँ पर ये वाला, तो इस वाले स्क्रीन में भी है, तो इसे निकाल देता हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं टेस्टिंग स्क्रीन एक ले लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास एक सोनी की स्क्रीन है, यहाँ पर लिखा है, और ये 40 पिन है जिसमें कि स्पॉट है। तो इसे हम चेक करेंगे लगा के। ऐसे लगाया, LVDS कनेक्टर इसका ये लॉक किया। ओके, स्क्रीन यहाँ पर। ओके, अभी कई लोग बोलेंगे कि ये 14 इंच का लैपटॉप है और ये 15 इंच की स्क्रीन लगाए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती, आप लगा सकते हो। ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले तो हमारा अच्छे से आ चुका है। मतलब ये आई थिंक ये स्क्रीन का दिक्कत है। फिर से ऑन किया। ओके, तो ये देखिए ये डिस्प्ले थोड़ा डैमेज है, कुछ दिक्कत नहीं। तो आई थिंक इसमें उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक नया डिस्प्ले भी ऑर्डर किया था और उसमें भी ये सेम दिक्कत दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये उन्होंने जो ऑर्डर किया हुआ डिस्प्ले है वो ख़राब हो चुका है। तो ये इससे तो हमें एक पता चल गया कि
कि हमारा डिस्प्ले ओके है, पर यहाँ पर लाइंस आ रही थी, पर ये फिजिकली डैमेज है यहाँ पर देखिए। तो अच्छा वाला डिस्प्ले भी है हमारे पास, वो लगाएंगे। ओके ये मेरे पास एक डेल एटीट्यूड का E5440 का बोर्ड है, इसमें कि 40 पिन का डिस्प्ले लगता है। ये सेम डिस्प्ले है, HD में आता है, तो ये सेम डिस्प्ले है मेरे पास, तो लगा लेते हैं इस। और यहाँ पर भी चेक करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला था इसमें वाइट कलर की लाइन्स आ रही है। अगर यहाँ से पहले कभी भी आपको ऐसे प्रॉब्लम आता है तो पहले यहाँ से चेक करना है, बाद में लैपटॉप को ओपन करना है। ज़्यादातर केस यहाँ से आ सकता है, वरना लैपटॉप से भी। तो फिलहाल इसे ऑन करके देखेंगे। ऑन किया, ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है, अच्छी तरह से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके तो फिलहाल मैंने तो यहाँ पर देखे ये अडेप्टर वार्निंग दिखा रहा है, तो फिर से ऑन किया, डेल का लोगो आ गया अच्छे से। एडाप्टर एसी पावर एडाप्टर का इशू दिखा रहा है, और आई थिंक ये हो चुका है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसका ओरिजिनल डिस्प्ले है वो ख़राब हो चुका है, और कस्टमर ने जो नया वाला करके 100 मंगाया है उस पे ऊपर भी कुछ लाइंस आ रही है ऐसे बोल रहे थे, तो इसमें डिस्प्ले का ही इशू है, बाकी का कुछ इशू नहीं लग रहा है। तो मैं इसे लगा के चेक करूँगा और उसका कस्टमर से पूछूँगा कि इसका डिस्प्ले नया डालना है क्या सेकेंड हैंड में, और पूछ कर मैं अपडेट कर देता हूँ। थैंक यू और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ डायग्नोज किया कि डिस्प्ले का दिक्कत है क्या, बोर्ड का दिक्कत है, इसमें तो डिस्प्ले का दिक्कत निकल गया, इसलिए हमारा बोर्ड का मतलब रिपेयर है वो अच्छे से मतलब आसानी से हो गया। सिर्फ हमने डायग्नोज किया कि क्या किसके वजह से ये दिक्कत आ रही थी। थैंक यू और सब्सक्राइब कीजिए।